Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to give you a doubt clearance class of biology, okay? One student having doubt in the cell organelles about their covering parts, okay? एक बच्चा को cell organelles कैसे कैसे cover होते हैं उस वीडियो में उसे doubt है, उस topic पे उसको doubt है. मैं उसको clear करता हूँ. मैंने आपको बोला था कि जो cell organelles होते हैं वे या तो आपको without membrane होंगे, यानी उसका कोई भी layer नहीं होगा. Normally वो हमारे body में पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है? एक ऐसे कुछ ऐसे भी सेल पार्ट्स होते हैं जो कि सिंगल लेयर से कवर होते हैं और कुछ डबल लेयर से कवर होते हैं, ठीक है, जिनको डबल लेयर मेम्ब्रेन बोलते हैं. मेम्ब्रेन का मतलब मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, झिल्ली, और लेयर मतलब आपको पता है, दैट इज कॉल्ड लेवल, ओके. तो जैसे कि मैं आपको नॉर्मली बताता है कि जो हमारा हॉट होता है, ठीक है, HERT हॉट, वो एक लेयर से घिरा होता है. उस लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम. क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है, PERICARDIUM, ओके. सिमिलरली हमारा किडनी भी एक लेयर से घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम. क्या बोलते हैं उस लेयर को? पेरिटोनियम. और फिर हमारा लंग्स भी एक लेयर से घिरा होता है, LUNGS, जिसको हम बोलते हैं प्लीयूरा. क्या बोलते हैं? प्लीयूरा. इसी तरह ये तो हमारे ऑर्गन्स हो गए, ठीक है. सेम हमारे जो सेल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये भी किसी ना किसी लेयर से या तो बाउंड होंगे या विदाउट बाउंड होंगे. तो जो था सेल ऑर्गन्स विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गन्स है जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये ऐसे ही बिना मेम्ब्रेन होते हैं. जैसे मान लो बिना मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपके बॉडी से स्किन को रिमूव कर दूं तो आपका जो मसल होगा, जो मांस होगा, वो विदाउट मेम्ब्रेन हो गया. तो विदाउट मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल याद रखना आपको, ये सिर्फ दो होते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है. सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी में राइबोसोम और सेंट्रोसोम दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो विदाउट मेम्ब्रेन, यानी इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी कि जस्ट लाइक आवर मसल विदाउट स्किन होते हैं, ठीक है. फिर रहता है आपका सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिंगल लेयर से घिरे होते हैं, ठीक है. और सिंगल लेयर से घिरने वाले ऑर्गेनेल्स का नाम है वैक्यूल्स, गॉल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पराग्यूम्स, ओके. और मैं सभी टॉपिक्स को आपको करा चुका हूँ कि एक सब होते क्या है, ठीक है. और सेम मतलब आपका डबल लेयर मेम्ब्रेन, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल लेयर से घिरे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये डबल लेयर से घिरे होते हैं. यानी ये ना बाहर से देखो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो मैं डायग्राम दिया था, इसमें आपका एक इनर लेयर था और एक आउटर लेयर था, तो दो तरह के लेयर हो गए, ठीक है. इसको बोलते हैं डबल लेयर. जो सिंगल लेयर होते हैं वो सिर्फ एक तरह के लेयर से घिरे होते हैं, और नो लेयर सिर्फ कुछ भी नहीं होता उनके बाहर, ठीक है. वो नॉर्मली पड़े होते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो ये मेरे कहने का मतलब था कि सिंगल लेयर का मतलब होगा कि उसके, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ आपको सिंगल लेयर में, ये आपका अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, तो सिंगल लेयर का मतलब होगा कि बाहर से सिर्फ एक लेयर से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है. अगर आपको मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये डबल लेयर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये बाहर से दो लेयर के साथ ऐसे घिरा हुआ रहेगा. मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया अंदर है तो ये बाहर से इसके दो लेयर होंगे, ठीक है ना. जैसे मैं इसको क्लियरली अगर दिखाऊं, जैसे आप ज़ूम कर लीजिए, अगर ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, तो बाहर से इसके दो लेयर होंगे, ये दो लेयर से घिरा हुआ रहेगा, डैट इज कॉल्ड डबल लेयर, ओके. और सिंगल लेयर और नो लेयर का मतलब वो किसी भी लेयर से घिरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है.